जय श्री कृष्णा। गीता दाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय विज्ञान, दिनांक 28/11/2020, अध्याय 13 गति एवं समय। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा होगा। आपने ये पढ़ा कि किसी वस्तु की गति सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल या वर्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये तीन प्रकार की गतियां याद है? जैसे गति गति की मतलब जो परिभाषा है वह है किसी वस्तु की किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश अनुदिश वर्तुल वर्तुल वर्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल वर्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। और गति तीन प्रकार की बताई गई है। जैसे गतियों के कुछ उदाहरण है, गति तीन प्रकार की होती है। गति के कुछ उदाहरण जैसे देखिए, विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण है। जैसे मार्च पास्ट करते सैनिक सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी दौड़ते दौड़ते धावक के हाथों की गति चलती साइकिल के पैंडल की गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति झूले की गति झूले की गति
नॉलेज की गति। देखिए गति तीन प्रकार की होती है। गति के कुछ उदाहरण है, मार्च पास्ट करते सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों की गति, चलती साइकिल की पैडल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति, लोलक की गति। जैसे गति का प्रकार देखिए सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल या आवर्ती। जैसे हमने जैसे देखा होगा अनुदिश वर्तुल और वर्ताकार। देखिए ये हमारा सामान्य अनुभव है, कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है और कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र, हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति से गति करते हैं, या तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति से गति करता है। सरल रेखी पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में हम बांटते हैं। आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कर कहीं वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम ये सरलता से बता सकते हैं इनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को जब हम देखते हैं, किसी सड़क पर एक ही दिशा में गति करते समय कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। देखिए उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रक्षेपणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम देते हैं। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इसमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन सा मंद अथवा तीव्र गति करता है इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी किए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए हम कल्पना करते हैं, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के हम प्राय ये कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में ये निर्णय करना सरल होता है। 100 मीटर दौड़ में सरलता से हम निर्णय कर सकते हैं किसकी चाल अधिकतम है। तो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसकी चाल अधिकतम होती है। तो चाल आप कदापि चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से ये संकेत मिलता है, किसी भी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया तथा किसी दिए गए समय से अधिक दूरी तय की गई। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि है यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांत समय में तय की गई दूरी हम ज्ञात करते हैं। यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम ये बता सकते हैं उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांत जैसे चाल का मतलब होता है चाल किसी वस्तु का
किसी वस्तु द्वारा एकांक एकांक समय में तय की गई किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा, कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गति करती है, कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गति करती है तो इससे ये ज्ञात होता है, तो इससे इसे ज्ञात होता है इसे ज्ञात होता है कि वह कार एक घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गति करती है तो इससे ज्ञात होता है कि वो कार एक घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। कोई कार बिल्ली ही एक घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है, वास्तव में ये धीमी चाल से गति किसी नियत चाल समान गति से चलती है वास्तव में ये धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। जब हम कहते हैं किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा एक घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि एक घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यह परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही प्रयोग करते हैं।